गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट स्टेटमेंट वन क्या है इन रिडोक्स टाइट्रेशन द इंडिकेटर्स यूज आर सेंसिटिव टू चेंज इन पी एच ऑफ सोल्यूशन और दूसरा है इन एसिड बेस टाइट्रेशन द इंडिकेटर्स यूज आर सेंसिटिव टू चेंज इन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अब देखिए गाइस ये दोनों ही दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है क्यों ये बेसिकली उल्टा लिख गए रिडोक्स जो टाइट्रेशन है वो आपकी पीएच ऑफ द सॉल्यूशन पे नहीं डिपेंड करती बल्कि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे डिपेंड करती है एंड सिमिल जो सिमिलरली जो एसिड बेस टाइट्रेशन है वो आपके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर नहीं डिपेंड करती बल्कि ये डिटरमाइन कर डिपेंड करती है ऑन दी आपके पीएच ऑफ द सॉल्यूशन पे समझ में आया मतलब कि जो स्टेटमेंट वन है वो इज इनकरेक्ट बिकॉज जो इंडिकेटर यूज है इन रेडॉक्स टाइट्रेशन वो सेंसिटिव नहीं होते टू दी चेंज इन पीएच जो भी सॉल्यूशन का जो भी पीएच चेंज होगा बल्कि वे सेंसिटिव होते हैं चेंज इन रिडॉक्स पोटेंशियल ऑफ दी सॉल्यूशन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल बोल दो उसको ऑफ द सॉल्यूशन ओके और जो कि विच इज डिटरमाइंड बाय द क्या Uh, जो भी आपका कंसंट्रेशन uh, है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की या रिड्यूसिंग एजेंट्स की उस पर डिपेंड करता है कुल मिलाकर ठीक है लेकिन अगेन जो स्टेटमेंट टू है वो क्यों हो गया क्योंकि ये एस, uh, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर नहीं डिपेंड करता बल्कि ये करता है आपके जो पीएच ऑफ द सोल्यूशन क्योंकि देखिए पीएच क्या हो गया आपका जो कंसनट्रेशन uh, है हाइड्रोजन आयन्स का है ना ऑब्वियसली उसी पे आपका पीएच एच होगा एसिड बेस्ड है तो हैंस वो तो उल्टे लिख दे बेसिकली आई होप आपको समझ में आएगा तो बोध स्टेटमेंट वन एंड टू आर इनकरेक्ट